everyone and welcome back to my YouTube channel. That blushy girl is here. So in today's video I'm going to share you this Onam makeup look. As a South Indian मैं कन्वर्ट हो चुकी हूँ आज एंड फाइनली मैंने बहुत दिन के बाद एक हैवी लुक क्रिएट किया है. स्पेशली द आईज इट लुक सो स्टनिंग एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस आई लुक को क्रिएट करने में एंड इट लुक सो हैवी. आई नो इट लुक सो हैवी बट या आप इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो. इस वीडियो में बताया है कैसे. तो या दैट इज़ माई ऑनम मेकअप लुक. बेस इज रियली सॉटल एंड डूई एंड द लिप शेड इज़ लाइक डिफरेंट. मैंने किया है हमेशा जो करती थी उसका मैंने अपोजिट किया है आज. तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो चेकआउट कर लेना. और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है तो आज से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है फेस्टिव सीजन का उद्घाटन. एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो लाइक ऑफिशियल फर्स्ट वीडियो फेस्टिव सीजन. फर्स्ट ओनम से ही हमने स्टार्ट किया है. सो या सो विदाउट वेस्टिंग एनी लिटिल टाइनी सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो क्यूटीज, लेट्स स्टार्ट विद प्राइमिंग माय फेस. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोलोबा का प्राइमर लिया है. ये काफ़ी अच्छा जेल बेस्ड प्राइमर है. ऑलरेडी मैंने स्किन केयर कर लिया है. अब मैं लगा रही हूँ एन बाय बे का फाउंडेशन. इट्स अ रियली फिल्टर लाइक फाउंडेशन है ये. बस इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसका कोई पंप बॉटल नहीं है. ये आपको डायरेक्ट ऐसे शेक करके निकालना पड़ता है. तो मैं अपने फिंगर की हेल्प से उसको डॉट डॉट फॉर्म में लगाया. देन मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. उसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ टू हाईलाइट माय टर्न फेस ऑफ द एरिया दैट आई वांटेड टू लाइक हाईलाइट मोर. तो इसलिए मैंने कंसीलर यूज़ किया है एंड आई लीड में भी लगा लिया है क्योंकि मुझे वहाँ पे आई लुक क्रिएट करना है. और आज के लुक कुछ ज़्यादा ही भड़कीला होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत दिन से ऐसे हैवी आई लुक क्रिएट नहीं की थी लाइक फुल्ली फुलिस्ट वाली. तो इसलिए मैंने सोचा इस लुक में क्रिएट करते हैं ये आई लुक. ये ज़रूरी नहीं कि आप ओनम में ही लुक को क्रिएट कर सकते हो. आप इसको एज अ वेडिंग गेस्ट और ब्राइडल के लिए भी काफ़ी अच्छा आई लुक है सच में. उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फेस बेक कर रही हूँ विद दी हेल्प ऑफ लूज पाउडर जो इनसाइड का है. मैंने थिन ब्रश लेकर मैं अपने आईब्रोज़ को भी डिफाइन एक शेप में ला दे रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़े से आईब्रोज़ बड़े हो गए हैं मतलब ग्रो हो गए हैं. इसीलिए कंसीलर की हेल्प से मैंने इसको एक शेप दे दिया है. एंड उसके बाद मैं एक आईब्रो डिफाइनर पेंसिल लूँगी जो है ब्लू हेवन का. उससे मैंने अपने आईब्रोज को थोड़े से फिल कर दिए. थोड़े खाली खाली लग रहे थे इसलिए मैंने फिल कर दिए हैं. ये ऑप्शनल है अगर आपको लगे तभी करना वरना यू डोंट नीड. उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ. दिस इज़ द 54 शेड. इट्स लाइक अमेजिंग. एक पैलेट लो और ऐसा 4-5 साल के लिए हाँ हो जाएगा आपका काम क्योंकि इसमें सारे शेड अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट आई यूज़ रानी पिंक कलर एज अ आउटर कॉर्नर. मैंने स्टार्ट किया उसको ब्लेंड करना. एज यू नो मेरी हुडेड आइज है तो आप ऊपर से कर सकते हो अगर आपके भी हुडेड आइज हैं तो स्टार्टिंग ब्लेंड करना. उसके बाद एकदम लाइट पिंक से मैं जो भी हार्श लाइन होंगे ना उसको मैंने रिमूव करने का चाहा. मैंने पूरे अपने आई लीड में लगा लिया है. उसके बाद रोज़ गोल्ड पिंक सामने में एंड देन मैंने ये 7 Cs का ग्लिटर पैड लिया था उसका शेड गोल्डन में लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडल पार्ट ऑफ द आई लीड. काफ़ी अच्छा शिमरी इफेक्ट आ जाता है एंड इट्स लुक सो स्टनिंग यू कैन सी इट. उसके बाद मैं डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ सारे लूज पाउडर को एंड उसके साथ साथ ग्लिटर के पार्टिकल्स भी चले जाते जो भी अगर नीचे ड्रॉप हुए होंगे. तो उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर एंड आईब्रो बोन में मैं लगाऊंगी हाइलाइटर टू लुक माय आई लुक मोर बोल्ड एंड हाइलाइटेड. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का वाइट खोल. काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका. और साथ ही साथ एक हैक कर रही हूँ मेरे पास ब्लू काजल नहीं है तो इसीलिए मैंने पहले वाइट लगाया देन मैंने एक ब्लू आई शेडो लेके लगाया एंड इट्स लुक सो अमेजिंग. लाइक आजकल तो ये काजल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल तो मैंने भी सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं. तो नेचुरल आईशेडो को मैंने कर्ल कर लिया. उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्करा यूज़ करी है. यहाँ पे काफ़ी अच्छा मस्करा है. मुझे नहीं लगा कि मतलब इतना अच्छा इसका वॉल्यूम मिलेगा बट यहाँ बहुत अच्छा मस्करा है. मैंने इसको 2-3 लगाया उसको अपर डायरेक्शन में एंड इट्स लुक सो अमेजिंग. लोअर लैशेज़ को भी मैं हमेशा फिल करती हूँ इससे आपकी आईज़ काफ़ी अच्छी ब्राइट लगती है. उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेज से अपना लुक कम्प्लीट किया एंड फॉल्स लैशेज था सूज ब्यूटी का इन दी ड्रामा.
उसके बाद यहाँ पे मैं नाइका का शेड लिया है, इट्स बोहो, एज अ ब्लश मैं यूज़ करना चाहती हूँ इसको। आज पता नहीं क्यों मुझे मन किया थोड़ा मैरून से भी ब्लश यूज़ किया जाए, एंड यार काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन आया एंड माई चिक्स लुकिंग सो पिंकिश एंड क्यूरिश। मोर थिंग इज़ कि मैंने यहाँ पे विंग लाइनर बनाया है, छोटा सा विंग लाइनर। उसके बाद मैं अपना डबल चिन को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ ब्राउजर की हेल्प से मैं अपने फेस को कंटोर कर रही हूँ, चिक एरिया, फोरहेड, चिन से मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड रख रहा है एंड आई लव इट। उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, तो यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का स्टिक लिया है, डुअल स्टिक लिया है, इसमें कंटोर प्लस हाईलाइटर मिलता है, तो मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अपने हैंड से ही ब्लेंड कर लिया है क्योंकि काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, क्रीमी टाइप है थोड़ा सा, तो इजीली आपके हैंड से ब्लेंड हो जाता है ये हाइलाइटर। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं फिर रिवर्स लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ ना उसका रिवर्स मैं करूँगी। यहाँ पर मैंने के बाई कैटरीना यूज़ कर रही हूँ इसका लिपस्टिक, काफ़ी अच्छा ये लाइट न्यूडिश काइंड ऑफ लिप शेड है जो डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने लाइट लिपस्टिक लाया। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड लगाऊंगी, तो ये है मैजेस्टिक रेड शेड। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा एक शेड और डार्क लिपस्टिक, एंड ये है मेरा रिवर्स लिप शेड हैक। पता नहीं मैंने ऐसे मेरे दिमाग में आया, मैंने इस लिप शेड को ट्राई किया एंड इट्स टर्न आउट सो ब्यूटीफुल, आप ये हैक कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं, रेडी होके। This beautiful onam look as I converted into a South Indian girl and my hairstyle kitni pretty lag rahi hai, seriously I love the gajra gajra like great, iska smell to itna acha tha, upar se aapke hairstyle mein aur char chand laga deta hai, to isliye maine ek bahut interesting video dala hai, मतलब गजरा हेयर स्टाइल मैंने बताया है उस वीडियो में बहुत ही इजी वे में कि आप गजरा हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हो। ये चेकआउट कर लेना मेरा गजरा हेयर स्टाइल, एक नहीं मैंने 4-5 गजरे हेयर स्टाइल बताया है उस वीडियो में, और एकदम सिंपल वे में जो आप डे टू डे लाइफ कर सकते हो इन जस्ट 1 and 2 minutes, दैट्स इट। सो यार दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। यहाँ तक आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए, एंड लाइक कमेंट शेयर एज मच एज यू कैन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे कॉशियस, बाय क्यूरीज़।